तो आइए दोस्तों, बनाते हैं हम लोग होममेड पिज़्ज़ा। मैंने पिज़्ज़ा बेस मार्केट से ले लिया है। इस पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है और अब मैंने ना छोटे छोटे प्याज और शिमला मिर्ची कट कर लिए हैं और मैंने इसके ऊपर अब लगा दिया है। घर पर बनाइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा बनता है और झटपट बनता है, ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है और बाहर का देखिए हेल्दी भी नहीं है और पैसा भी बहुत लगता है। तो आप अपने बच्चों को बना के खिला सकते हैं। मैंने सब इस पर सजा लिया है, प्याज शिमला मिर्च, और आप कोई दूसरी सब्जी चाहते हो अच्छी लगती है तो वो भी आप लगा सकते हो, जैसे कॉर्न हुआ या फिर बेबी कॉर्न हुआ या फिर मशरूम हुआ, वो भी लगा सकते हो। मेरे पास यही दोनों थी तो मैंने यही लगा दिया है। अब मैंने ना इसमें पनीर भी लगाया और ऊपर से मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिया है और इसमें मैंने मोजरेला चीज़ लगाई है। आपको कोई और चीज़ पसंद हो आप वो भी लगा सकते हो। अब मैंने इसमें ओवन वाली ट्रे में लगा दिया है। अब मैं इसको ओवन में रख दूँगी बेक होने के लिए। मैंने बोथ जो मोड होता है ना, कन्वेंशन वाला ग्रिल प्लस कॉम्बो वाला, वो वाला मोड पे मैंने इसको हाफ एन आवर के लिए रख दिया है। देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है और बना भी बहुत टेस्टी है। घर पर बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, आप भी खाइए, इंजॉय करिए शाम को चाय के साथ में, और झटपट बन भी जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय दोस्तों।